एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे सॉल्व किए जाते हैं जो हमारे डेटा में बहुत ज्यादा हमारी मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ फॉर्मूलों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कॉनकेटनेट इक्वल के साथ जब हम स्टार्ट करेंगे, कॉनकेटनेट स्टार्ट ब्रैकेट सिंगल कॉमा, सेकंड नाम है भाटी सिंगल कॉमा और उसके बाद है यहाँ पर जी लगाया हुआ है, तो तीनों अलग अलग सेल में लिखे हुए नामों को एक साथ ऐड करता है। लेफ्ट का फॉर्मूला है, अब लेफ्ट लिखेंगे और जो बिक्की भाटी हमने ऐड किया है उसे सेलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा देंगे जिसमें कि पांच लेटर है, हम पांच नंबर डाल के एंटर लेंगे तो बिक्की बाहर हो जाएगा। राइट में जी है जिसमें दो लेटर है तो सिंगल कॉमा के साथ दो तो जी बाहर हो जाएगा। बिक्की भाटी हमने सेलेक्ट किया, सिंगल कॉमा से सिक्स नंबर से स्टार्ट करना, बी से भाटी के लिए तो सिक्स नंबर डालना होगा, सिंगल कॉमा फिर उसके बाद भाटी में पांच लेटर है तो पांच डाल के एंटर भाटी बाहर हो जाएगा। कोई भी नंबर जैसे मुझे पचपन का रोमन नंबर जानना है बता देगा। फिर बात करते हैं स्मॉल, जैसे आप देखेंगे हमने कुछ डिजिट लिखी हुई है सिंगल कॉमा वन, इनमें से नंबर वन पे सबसे छोटी संख्या, बात करेंगे लार्ज की इन्हीं में से सिंगल कॉमा वन सबसे बड़ी संख्या, ईयर का फॉर्मूला मांग रहा है तो ईयर लिखेंगे स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट और डेट को सिलेक्ट करके एंटर ले लेंगे ईयर बाहर कर देगा। मंथ लिखेंगे डेट को सिलेक्ट करेंगे मंथ बाहर करेगा, डे लिखेंगे डेट को सिलेक्ट करेंगे डे बाहर करेगा। अब इक्वल के साथ आवर लिखेंगे टाइम को सिलेक्ट करेंगे आवर बाहर, मिनट लिखेंगे टाइम को सिलेक्ट करेंगे मिनट बाहर, सेकंड लिखेंगे टाइम को सिलेक्ट करेंगे सेकंड बाहर। स्टार्ट ब्रैकेट तो सिर्फ डेट आएगी, इक्वल के साथ जब आप नाउ लिखेंगे स्टार्ट ब्रैकेट तो डेट और टाइम दोनों आएंगे। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम दबाता हूँ तो डेट आती है और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम दबाता हूँ तो टाइम आता है।